हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, अगर आप इंस्टाग्राम के यूजर हो तो आपको इस प्रॉब्लम के बारे में ज़रूर पता होगा। सो आज हम प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं एक इंस्टाग्राम की। सो उस प्रॉब्लम का नाम है एक्शन ब्लॉक्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, उसी प्रॉब्लम का नाम है एक्शन ब्लॉक्ड, जो कि आपको शो करके आता है ट्राई अगेन लेटर। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने सही कहा ना, इसी नाम से आपको ये प्रॉब्लम शो करके आता है ट्राई अगेन लेटर। तो डरने की बात नहीं है, ये बिल्कुल छोटी प्रॉब्लम है, इससे आपके अकाउंट को कोई खतरा नहीं होगा। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ इसे सॉल्व कैसे करें। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं अपने इंस्टाग्राम पे जाके आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरी प्रॉब्लम ये आ रही है शो करके, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है ट्राई अगेन लेटर करके। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। आपको सबसे नीचे प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा पांचवें नंबर पे, उसको ओपन करना है। अब आपको करना क्या है, इसमें देखिए ध्यान से, ऊपर थ्री लाइन दिख रही है आपको, उस पर क्लिक करना है ऊपर के थ्री लाइन पे, राइट साइड में जो है। और इस थ्री लाइन पे आपको क्लिक करने के बाद आप नीचे सबसे नीचे देखिए सेटिंग का ऑप्शन दे रहा होगा। सो ये सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, इससे आपके इंस्टाग्राम की सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो हम सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। और फिर सेटिंग को ओपन करने के बाद, इस सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको हेल्प वाले ऑप्शन में जाना है। सो मैं आपको बता देता हूँ हेल्प का ऑप्शन कहाँ है। इसमें आपको कई प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे, इसमें आपको छेड़खानी नहीं करनी, इससे बात ख़राब हो सकती है, बनती बात भी कर सकती है। तो आपको बस जाना क्या है, हेल्प में जाना है, हेल्प के ऑप्शन में। ये नीचे आपको हेल्प के ऑप्शन दिख रहा होगा, क्वेश्चन मार्क बना हुआ। सो इसी पे जाने के बाद आपको अब जाना क्या है, हेल्प सेंटर में नहीं जाना, रिपोर्ट ए प्रोग्राम में जाना। सो रिपोर्ट ए प्रोग्राम में जाने के बाद, ये मैं रिपोर्ट ए प्रोग्राम में चले जाता हूँ। और फिर आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से, अब आपकी मेन एंट्री शुरू होती है। सबसे पहले आपको करना है रिपोर्ट ए प्रोग्राम, रिपोर्ट ए प्रोग्राम पे क्लिक करना है दूसरी बार। और फिर इस पर क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, देखिए पहले इस पर क्लिक कर लेते हैं, मैं इस पर कर लेता हूँ रिपोर्ट ए प्रोग्राम पे। अब देखिए वो वाला सेक्शन खुल गया है जिसमें आप इंस्टाग्राम से अपने प्रॉब्लम के बारे में कह सकते हो और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। सो अभी हम इस पे इंस्टाग्राम को एक मैसेज भेजेंगे, जिसके बाद आपका एक या दो दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपको डरने की बात नहीं है। सो आप कुछ इस प्रकार लिखिएगा डियर सर करके, सो डियर सर करके आप लिखिएगा इसमें। अब इसके नीचे मैं लिख लेता हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ वही आपको एज इट इज लिख देना है। और मैं लिख रहा हूँ ये माई अकाउंट, माई इंस्टाग्राम अकाउंट। सो इसमें आप जितना क्लियरली लिखोगे उतनी जल्दी आपकी बात वो सुनेंगे और आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे वो। और मैं आपको बता दूँ ये प्रॉब्लम आता कैसे है, जब भी आप किसी को फॉलो करते हो ज़्यादा, एक दिन में ज़्यादा फॉलो करते हो या फिर लाइक करते हो या कमेंट, तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल सकती है। सो इसलिए आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो मत कीजिए, कम से कम आप 50 या 60 कीजिए फॉलो, इससे ज़्यादा मत कीजिए। ऐसे लिखना है आपको पूरा, माई इंस्टाग्राम अकाउंट हैज़ वॉच हैज़ ब्लॉक्ड एंड आई फेस द प्रॉब्लम एक्शन ब्लॉक्ड, ऐसे करके आपको पूरा लिख देना है। और इसके बाद आपको नीचे जो ये ऑप्शन दिख रहा है, प्लस का निशान दिख रहा है, प्लस का आइकन, उस पर जाके आपको स्क्रीनशॉट इस पर अपलोड करनी है। अगर आपने अपने प्रॉब्लम की स्क्रीनशॉट नहीं खींची तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और इस पर आप जाके पेस्ट कर दीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा अपनी स्क्रीनशॉट। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी अपलोड करके इसमें दिखाऊँगा, मैं आपको फुल प्रोसेस दिखाऊँगा इसमें सबमिट करने तक। तो ये लिखने के बाद ट्राई अगेन लेटर, सो सर प्लीज़ सॉल्व, ऐसे करके आपको लिखना है।
और इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर भी देना है और आपको अकाउंट की आईडी भी देनी है। जो आपकी इंस्टाग्राम आईडी है वो आपको इसमें देनी है, जिससे कि क्या वो आपका अकाउंट देख सके और आपके प्रॉब्लम को चेक कर सके कि आपके क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो इससे आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। देख सकते हैं मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ अपनी आईडी। सो हम इसके लिए लिखेंगे माई इंस्टाग्राम आईडी। और यहाँ पे हम आईडी लिख देंगे अपनी आईडी जो भी है। सो मैं लिख देता हूँ अपनी टेक डॉट, जो प्रॉब्लम आ रही है आपके जिस भी आईडी में आ रही हो वही आईडी देनी है इसमें। आप अपनी दूसरी आईडी मत दीजिएगा इसमें, जिस आईडी में आपकी ये प्रॉब्लम शो कर रही है वही आईडी दीजिएगा। और यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना दे दीजिएगा, मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ इसमें। सो मेरा माई मोबाइल नंबर, और जो भी मोबाइल नंबर है वो आप डाल दीजिएगा इसमें। ये मैं डाल देता हूँ अपना मोबाइल नंबर। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं अपना नंबर ऐसे डाल रहा हूँ, पर आपको ऐसे नहीं डालना नंबर। मैं ये आपको दिखाने के लिए डाल रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरी पर्सनल डिटेल है नंबर में, इसलिए आप अपना पूरा नंबर दीजिएगा इसे। और नंबर डालने के बाद इसमें फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट जो आपने अभी लिया था। इस पर क्लिक करने के बाद, गैलरी में क्लिक करने के बाद, जहाँ पे भी आपकी फ़ोटो है, इमेज, स्क्रीनशॉट, वहाँ से आप इसको उठा लीजिएगा। मैं ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट वाले फोल्डर में से, ये है फोल्डर, देख सकते हैं आप, ये मैंने अपलोड कर दिया। अब देखिए ऊपर सबमिट का बटन दिख रहा है ब्लू कलर से, उस पर सबमिट के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो डरने की बात नहीं, ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इससे थोड़ी भी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बने रहे हमारे चैनल के साथ। मैं आपको ऐसी